आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में दहुआ के सॉफ्टवेयर स्मार्ट पीएसएस लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पे हम लोग टूर एंड टास्क ऑप्शन कैसे सेटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर में कैसे डिवाइस को ऐड करते हैं, लाइव व्यू कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है स्मार्ट पीएसएस लाइट की बेसिक कॉन्फिगरेशन की, तो आप उसको पहले चेक कर सकते हैं। वरने आई बटन पर आप क्लिक करके वहाँ पे दैट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप वो पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको टूर एंड टास्क ऑप्शन समझने में ईजी होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा वो पहला वीडियो देख लिया है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टूर एंड टास्क ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ टूर एंड टास्क ऑप्शन होता क्या है। टूर एंड टास्क में क्या होता है कि अगर आपका नंबर ऑफ कैमरे ज़्यादा है तो उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो सारे कैमरे एक साथ नहीं देख पाता है, तो वो चाहता है कि हमें चार चार कैमरे वन बाई वन दिखते रहे या फिर आठ आठ कैमरे वन बाई वन दिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ कैमरे ज़्यादा होंगे उस हिसाब से आपको उस 4, 8, 16 इस तरह की सेटिंग करनी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक डिवाइस मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। अब इसको मैं चार चार के ग्रिड में कैसे टूर ऑप्शन कैसे बनाता हूँ इसके बारे में आज कोई सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लाइव व्यू पे आप जाएंगे, आपने डिवाइस ऐड कर रखा है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है टूर कॉन्फिग। टूर कॉन्फिग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो बाय डिफॉल्ट टास्क प्लान वन लिख कर आता है, आप चाहे तो और भी टास्क प्लान बना सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी आते जाएंगे। ठीक है, मैं अभी एक ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये डिलीट कर दे रहा हूँ। टास्क प्लान वन में आप इसका नाम एडिट कर सकते हैं, लाइक टास्क प्लान वन है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैं लिख दूँ यहाँ पे अभी प्लान। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो प्लस पे पहले क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके ये पहला टास्क इस पे बनाएंगे। इस पे चार का ग्रिड आ रहा है, आप चार का से नाइन का ग्रिड, 16 का ग्रिड, इस तरह वन बाई वन आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्लाइंट में ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मान लीजिए चार ग्रिड एक बार में देखने की है, तो मैं उस तरह से प्लान बना रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपने ऑलरेडी वो डिवाइस ऐड कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इनको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इनको खींच कर उस पर्टिकुलर चैनल पे छोड़ देंगे। ये इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, तो मैं चार कैमरे यहाँ पे ऐड कर लिए, सारे पे वन वन चैनल है, सारे के कैमरे ऐड हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे टाइम, स्टे टाइम का मतलब है यहाँ पे ये 10 सेकेंड है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग 10, 15, 16, 17 जो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको 10 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसके टाइम को, क्योंकि मुझे यही सुटेबल लग रहा है। ओके कर, यहाँ पे आप टाइम डाल के ओके कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। स्ट्रीम टाइप दो स्ट्रीम होती है, आपको पता है मेन स्ट्रीम सब स्ट्रीम होती है, कैमरे की जो लाइव व्यू आती है, तो मैं सब स्ट्रीम लेके चल रहा हूँ। आप चाहे तो अगर अपने जरूरत के अकॉर्डिंग मेन स्ट्रीम सब स्ट्रीम या सब स्ट्रीम टू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी सब स्ट्रीम पे करके चलाता हूँ, इससे लोड कम पड़ता है सिस्टम पे। ठीक है, मैंने यहाँ सब स्ट्रीम कर दिया। अब मान लो ये कैमरा आपको देखना है, इस चैनल पे कौन सा कैमरा आप देखो, तो आप यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। क्लिक करोगे आप, ये आपको प्रीव्यू यहाँ आ रहा है। ठीक है, क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो ये प्रीव्यू यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये मेरा पहला टास्क प्लान बन गया है, ओके करता हूँ। फिर प्लस पे जाऊँगा क्योंकि नेक्स्ट अभी चार कैमरे और बाकी हैं। तो अब यहाँ पे चार ऐड करने के बाद अब पांचवा कैमरा यहाँ ऐड करूँगा, सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सेम प्रोसेस वही है जिस तरह से हमने पहले किया था, इस तरह से ये यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे सबकी टाइमिंग स्ट्रीम आप हर एक कैमरे के उसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और भी डिवाइसेज ऐड कर रखे, मुझे दो कैमरे इसके देखने हैं, दो कैमरे किसी दूसरे डिवाइस के मुझे देखने हैं, तो आप इनको बस सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप चाहे तो चेंज करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा टास्क बन गया। तो इस टूर इस प्लान के अंदर, एवी प्लान के अंदर दो टास्क बन गया। अब इसके बाद हम लोग सीधे लाइव व्यू पे जाएंगे, होम पे आएंगे, लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे ये अभी प्लान आपको यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे नाम आ गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपको यहाँ पे चार कैमरे ऑटोमेटिकली व्यू हो रहे हैं। अभी ऑटोमेटिकली 10 सेकेंड के बाद शिफ्ट होकर नेक्स्ट जो चार कैमरे हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, चार कैमरे फिर शिफ्ट हो गए, फिर वापस से ये पहला कैमरा जो पहले ग्रिड पे था वापस इस पे आ जाएगा। तो ये बार बार रिपीट करता रहेगा, बार बार ये रिपीट करता रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं बार बार रिपीट कर रहा है। आप इसके साथ एक बढ़िया ऑप्शन इसमें ये भी कि आप इस टूर एंड टास्क को शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल करने के मतलब है कि आप दिन डे वाइज
आप वीक वाइज को शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक अगर डे प्लान अगर करते हैं, दिन में आप अलग अलग टाइम देना चाहते हो, यानी कि मान लीजिए ये 10 बजे तक सिर्फ ये प्लान एक्टिव रहे, उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए बंद रहे, फिर उसके बाद ये शाम को मान लीजिए 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इस टाइम तक ये एक्टिव रहे, तो आप इस तरह से मल्टीपल प्लान बना सकते हो डे के लिए, और वीक के लिए भी आप इस तरह से मल्टीपल प्लान बना सकते हो। संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से भी आप बना सकते हो। लाइक संडे को आप चाहते हो कि मेरा सिर्फ एक ही घंटा चले, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको रात को 8 बजे के बाद चलाना, सॉरी 8 बजे के बाद कोई दूसरा प्लान आपका है 8 से लेकर 10 बजे तक, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो। इस तरह से मल्टीपल आप पीरियड बना सकते हो, टाइम पीरियड किसी डे के लिए, ये 6 से ज़्यादा आप बना सकते हो, और कोई ऐसी लिमिट नहीं है इस तरह से। तो मंडे, इस तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह हर दिन के लिए आप अलग अलग प्लान यहाँ आप सेलेक्ट करके ऐड करोगे, ऐड होता जाएगा। डे वाइज और वीक वाइज आप यहाँ प्लान कर सकते हो। सेव कर दिया। अब अगर आपको ये शेड्यूल आपको एक्टिव करना है, तो आप लाइव व्यू पे आएंगे, होम पे आएंगे, लाइव व्यू पे, मैं आप लाइव व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखो शेड्यूल टूर का भी ऑप्शन आ गया है, जो कि इनेबल करने के बाद ही इनेबल हो जाएगा। इनेबल और डिसेबल यहाँ से इसको कर सकते हैं, प्ले करेंगे तो हमारा ये टूर प्रोसेस करता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज हैं इसके बारे में, आप भी कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने इतना देर तक टाइम दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।